हेलो एवरीवन, मेरा नाम रंजन है। मैं यहाँ अपना हेयर पैच की सर्विस करवाने आया हूँ रिजी हेयर सॉल्यूशन पे। इनका काम बहुत अच्छा है। मैंने 6 महीने पहले यहाँ से अपना हेयर पैच लगवाया था और बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये आपको पूरा अच्छी तरह गाइड करेंगे आप कि किस तरह हेयर पैच की सर्विस की जाती है, तो आप देख सकते हैं। और मेरी पुरानी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले पीछे के साइड में सोलमन डालो। सोलमन डाल डाल के धीरे धीरे से हेयर पैच निकलगा, सोलमन के तरीके से निकाल जाता है। ये ऐसे पैच निकल जाएगा। सोलमन डालते हैं, थोड़ा थोड़ा रब किए और ये निकल जाएगा आराम से। ये आपका पैच निकल गया। कोई पुरानी कंघी हो उस कंघी से आराम से निकल जाता है। पूरा ये मैट हो गया, आराम से कंघे से ग्लो निकल जा रहा है। 6 महीना हो गया, देख सकते हो स्किन को कुछ नहीं हुआ, स्किन हेल्दी के हेल्दी है। कॉम से लगाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा सॉल्वेंट और डाल दो, बिल्कुल साफ क्लीन हो जाएगा। जैसे देख सकते हो आपने कॉम लाया, अब थोड़ा सॉल्वेंट डाल दें। सॉल्वेंट से डाल के थोड़ा और रफ कर दो, देखो बिल्कुल हेयर बिल्कुल क्लीन लग रहा है। अब ये सॉल्वेंट डाल के धीरे धीरे रफ करना है। सॉल्वेंट डालो और धीरे धीरे रफ कर दो, इससे आपका ग्लू जो है ना मैट हो जाएगा और स्किन धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अपने धीरे धीरे हाथों से करना है बस। इसको 2 मिनट छोड़ना और 2 मिनट के लिए छोड़ देना डाल के सर में, जिससे ग्लू मैट हो जाएगा। शैम्पू लेना, हेड वॉश कर लेना। देखो इजीली बिल्कुल साफ हो गया बिल्कुल। देख सकते हो आप इनका हेड बिल्कुल क्लीन हो गया। जैसा कि आप देख सकते हो इनका पूरा हेड क्लीन हो गया। 20 से 30 दिन के अंदर ये जो थोड़े मोड़े बाल होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो किसी भी आसपास सलून पे जाके आप ये नॉर्मली कटिंग करा सकते हो। बस क्या करना, ट्रिमर लगवाना है, वो अलग से दिखेगा आपका क्राउन एरिया बना हुआ है। बस थोड़े थोड़े जो बाल ग्रो हो जाते हैं उसको ट्रिमर से धीरे धीरे हटा लेना है, या घर पे भी कर सकते हो। कोई वैसी भी है ही बात कीजिए, ज़्यादा मुश्किल हो जाए। ये तो भाई अपने साइडों के बिल्कुल बारीक कटिंग कराते हैं। आपको जैसी डिमांड होगी आप किसी भी आसपास सैलून से कटा सकते हो कटिंग। ऐसे जैसे नॉर्मल कराते हो नॉर्मल करा सकते हो, बारीक कराना है बारीक भी करा सकते हो। बस नीचे नीचे से कटाओ। ये शैम्पू लिया थोड़ा सा और उनका हेड वॉश लगा, कटिंग हो गई, पूरा हेड वॉश हो गया। सबसे पहले जो पैच पे जो टेप लगा हो उसको हटाना है धीरे धीरे, ये निकल जाएगा हाथों से। टेप हटाने के बाद उसके बाद इस पैच पे सॉल्वेंट डालना, चारों तरफ सॉल्वेंट डाल देना पैच के ऊपर। और धीरे धीरे इसको रफ करना, जो सॉल्वेंट है पूरे ग्लू को हटा देगा। निकले, ये हट गया,
कुल्लू चिकन। उसके बाद आप क्या करना है, उसके बाद पुरानी कैची हो या उससे धीरे धीरे सब रफ कर लेना, जिसमें थोड़ी बहुत चिपकन होती है हट जाती है, सारी चिपकन देखो बाहर आ जाती है आराम से। धीरे धीरे रफ करना, ये होगा पूरा साफ। अब उसके बाद क्या करना है, एक कॉम लेना है, पहले थोड़ा सॉल्वेंट डालो बालों के ऊपर जो उसके बालों में चिपकन होती है थोड़ी, और उसके बाद पुराना कोई कॉम लेना, उससे कॉम से धीरे धीरे ऐसे मार लेना, इससे जो बालों में चिपकन होती है हट जाती है। ये चीज़ आराम से कर सकते हो, और फ्रंट एरिया से ऐसे करना है। थोड़ा शैम्पू ले लिया मग्गे में, थोड़ा पानी लिया, उसके बाद क्या करना है, इस प्याज को थोड़ी देर के लिए रख देना है चिकन में डाल के। जैसा देख सकते हो आप, 5 मिनट हो गया। अब इसको शैम्पू को शैम्पू से सही से इसको वॉश कर लेना, ऐसे नॉर्मली करके वॉश कर लेना। कैसे वॉश हो गए, दोबारा एक बार शैम्पू दोबारा करना है, तो दोबारा एक बार थोड़ा शैम्पू लेंगे और पानी लेंगे। ये थोड़ा शैम्पू ले लिया हमने और थोड़ा सा मिल्कुल पानी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए दोबारा इसमें वॉश कर लेते हैं ऐसे हाथों से आराम से। नॉर्मली वॉश कर लिया हमने कंडीशनर, अब इसके बाद कंडीशनर करना है। ये शैम्पू तो हो गया बिल्कुल रेडी, इसमें पैर साफ हो गया। थोड़ा सा कंडीशनर लेना, ये कंडीशनर है, और थोड़ा पानी कंडीशनर धो लेना पानी में, और इसके अंदर पैच को 10 मिनट के लिए डुबा के छोड़ देना। ये हमने कंडीशनर धो लिया पानी में, ठीक है, अब 5 मिनट के लिए इसमें 5-10 मिनट के लिए पैच को छोड़ देंगे, ताकि बाल बिल्कुल सिल्की हो जाए और स्मूथ हो जाए। कंडीशनर से निकाल लिया पैच को, अब इसको सुखाएंगे टॉवल में रख के, ऐसे नॉर्मली टॉवल में रख के दबाना है, रफ नहीं करना, रफ करने से बाल उलझ जाते हैं। जहाँ पे टेप लगता है क्राउन एरिया में, वो सही से सुखा लेना है। नॉर्मली ऐसे सुखा लेना है पैच को सही से। हमारे पास तो स्टिक है, तो हम अपने क्राउन एरिया में जो सामने का जो एरिया फ्रंट एरिया उस पर स्टिक लगाएंगे हम। देख सकते हो ये स्टिक लग गया है। नॉर्मली टेप को ऐसे लेना और ऐसे लगा लेना तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके से शायद लगा ना पाओ, तो आप छोटे छोटे जो टेप होता है उसके पीस कर सकते हो, छोटे छोटे पीस करके आप पूरे क्राउन एरिया में लगा सकते हो। इनको ऐसे आता है इजी है, इनको ये आसानी से कर लेते हैं, तो जल्दी जल्दी ऐसे कर रहे हो आप, छोटे छोटे टेप के पीस कर लेना और पूरे क्राउन एरिया पर लगा लेना, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ईजी है, आराम से टेप लगा सकते हो। तो ये टेप पूरा लग चुका है, जिसमें नोचे निकले हुए छोटे छोटे, इसको धीरे धीरे कट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको तो वही तरीका निकालना है जैसे आपको बताया था, छोटे छोटे टेप के पीस करके लगा लेना।
यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, ये 3 इंच का मार्क लगाना है। अगर ये ना हो आपके पास तो हम 4 उंगली रख के भी निशान लगा सकते हैं, आपका निशान वहीं आएगा। के ऊपर का हमें कागज हटाना होता है, और अगर आप खाली टेप से लगाएंगे तो 10 से 15 दिन चलेगा, 10 से 15 दिन होल्ड रहेगा, और टेप से इजीली हो भी जाता है घर पे, और आप इसके ऊपर ग्लू भी लगा सकते हैं। ये वोगर टेप कंपनी का अल्ट्रा होल्ड ग्लू है, इससे 20 से 30 दिन के लिए होल्ड हो जाता है। आप इसको करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, बाकी टेप से इजी रहता है घर पे करने वालों के लिए। क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाती है टेप की। इसे हल्का हल्का सा लगाना होता है, ये ध्यान रहे थोड़ा टपके ना, बालों में अगर ये आ गया तो थोड़ा मुश्किल से साफ होगा। पूरा पूरे पे हल्का हल्का लगाना होता है। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा आपकी नोज और इसके बीच का हिस्सा सेंटर में होना चाहिए, नोज सेंटर में होती है, और इस तरीके से रखेंगे दोनों तरफ बराबर जाएगा। और जो आपने 3 इंच का निशान लगाया था उस पर रख देना, और कैप की तरह पहनते हुए चले जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से लग जाता है। उसके बाद में टॉवल से पेस्ट कर देना होता है ताकि आपकी स्किन को ये अच्छे से पकड़ ले। ये ड्रायल लग चुकी है, अब थोड़ा सा ये सीरम होता है ऑयल की जगह पे, इसमें हल्का सा पानी भी मिला सकते हैं। ये चमक के लिए होता है, शाइनिंग के लिए। इसको दिन में 2 बार भी लगा सकते हैं, जब चमक कम लगे जब लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया मेरा फाइनल लुक। जो लोग दूर रहते हैं वो खुद भी सर्विस कर सकते हैं। आपने देख ही लिया होगा वीडियो में कि किस तरह सर्विस की जाती है, काफी अच्छे से इन्होंने आपको समझाया भी होगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो 1 घंटे में आपकी सर्विस हो जाएगी, और ये मेरा फाइनल लुक, बहुत अच्छे से सर्विस करते हैं। ऑलवेज